जिगर के टुकड़ों का जाना कितनी टीस देता है, ये बात सिर्फ वही जान सकते हैं जिनका बच्चा गायब हो जाता है। गाजियाबाद में कई माँ बाप ऐसे हैं जो इस दंश को झेल रहे हैं, इस दर्द से पल पल गुजर रहे हैं। यहाँ से बच्चों के गायब होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हाँ, कई मामलों में बच्चे वापस तो आ गए, लेकिन उनका क्या जिनकी आंखें अपने बच्चों के इंतजार में पथरा गई हैं। बच्चे गायब होते रहे, लेकिन किसी का ध्यान इस मुद्दे पर नहीं गया। क्षेत्रीय नेता नोट और वोट के बीच उलझे रहे, मानो उनका इस दर्द से कोई सरोकार ही नहीं था, जो गाजियाबाद के माँ बाप अपने दिल पर सह रहे थे। सियासी उदासीनता को देखते हुए बच्चों के गायब होने के मामले में कुछ स्वयंसेवी संस्थानों ने कदम उठाए, कई समाज सेवी संस्थानों ने आवाज उठाई, लेकिन उनकी हर आवाज सियासी दीवार में कैद होकर रह गई। साल 2012 के जून के महीने तक 90 बच्चे गायब हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 5 सालों में सबसे ज्यादा बच्चे 2011 में लापता हुए। 2011 में कुल 203 बच्चे लापता हुए। ये बच्चे आमतौर पर 5 से 15 साल की उम्र के हैं। साल 2010 में कुल 144 बच्चे लापता हुए। पुलिस सक्रिय होने का दावा कर रही है, लेकिन इस सक्रियता के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि शहर से मासूमों के लापता होने का मामला थम नहीं रहा। कुछ सामाजिक संस्थाओं की माने तो इसमें मानव तस्करी का भी मामला हो सकता है। मिसिंग होना एक चीज है, फिर उसमें कितने हम सर्च कर लेते हैं, काफी लोगों को सर्च कर लिया जाता है, काफी लोग मिल जाते हैं, कुछ केसेस में जिसमें अपहरण हुए जाते हैं उनमें केस रजिस्टर होता है और बरामदगी के प्रयास चलते हैं। ये प्रयास किया जाता है कि त्वरित कार्रवाई हो, कहीं कहीं जहां ढिलाई प्रकाश में आती है वहां जो कंसर्न्ड ऑफिसर है उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाता है। गाजियाबाद जिले से इसी साल 6 महीने के भीतर 90 बच्चों के गायब होने से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और गाजियाबाद के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किए हैं। और आदेश दिया है कि गाजियाबाद में गायब हुए बच्चों के मामले को पूरी गंभीरता से लिया जाए। आखिर क्या वजह है कि आजादी के 65 वर्ष बाद भी कानून ना तो व्यवस्थित हो पाया है और ना ही विश्वसनीय? सरकारें या तो इस ओर ध्यान नहीं दे रही, या फिर कानून किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग चिल्ड्रन की रिपोर्ट को आधार बनाएं तो दिल थक से रह जाता है। स्थिति की भयावहता की तस्दीक बचपन बचाओ आंदोलन के शोध द्वारा जुटाए गए वे आंकड़े करते हैं, जिनके अनुसार साल 2008 से 2010 के बीच 117,480 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इनमें से 74,209 बच्चों को ढूंढ लिया गया, पर 43,271 का आज तक कोई सुराग नहीं लग सका है। बहुत से लोगों के लिए ये महज आंकड़े हो सकते हैं, पर जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उनकी आवाज महज एक सिसकी बनकर रह जाती है। बचपन बचाओ संस्था की आंकड़े और भी दहशत पैदा कर देते हैं, क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार ये आंकड़े सिर्फ 17,279 हैं। ये सभी आंकड़े उन बच्चों के हैं जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई, जबकि बहुत से मामलों में बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज ही नहीं हो पाती। यदि हम इन आंकड़ों को आधार मान लें तो हर रोज औसतन 263 बच्चे लापता होते हैं। देश में इस संबंध में किसी निश्चित कानून का न होना भी बाल तस्करी से जुड़े वास्तविक आंकड़ों को इकट्ठा करने में
दिक्कत पैदा करते हैं। कानून बने हुए हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चे से आप कार्य नहीं ले सकते, और अगर लेते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये मानवीय दृष्टि से भी उतना ही गलत है जितना कानूनी दृष्टि से गलत है। तो अभी हम कानून की बात करेंगे, कानूनी दृष्टि से एकदम गलत है, और हम चाहेंगे कि लोग सपोर्ट करें कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो बाल श्रम करवाते हैं या बाल श्रम में किसी प्रकार से लिप्त हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ले। सरकार भी इस बेहद संवेदनशील मसले को आंकड़ों में उलझाकर अपनी जिम्मेदारी से बचती रहती है। इस तरह के अपराधों के प्रति प्रशासन का रवैया संवेदनशील नहीं है, इसके लिए सामाजिक आर्थिक हालात भी काफी हद तक जिम्मेदार है। ना कोई जादू ना कोई वारदात, फिर कहां चले जाते हैं मासूम, ये खतरे का अल्टीमेटम है। पुलिस को दहशत का साया हटाना होगा, क्योंकि पिछले दिनों निठारी में जो कुछ हुआ उसकी कीमत दर्जनों परिवार को चुकानी पड़ी। आपको जागोरे का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।